स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल में, जहां पे आपको सीखने को मिलता है फाइनेंशियल एजुकेशन और स्टॉक मार्केट के बेहतर नॉलेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है और इस पैटर्न के बनते से स्टॉक में हमें कितना मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इस पैटर्न को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि मार्केट में हम बेहतर रिटर्न यहाँ से निकाल सके। जो डबल बॉटम पैटर्न होता है ये एक बुलिश पैटर्न होता है, मतलब कि अब ये पैटर्न बनते से ये माना जाता है कि अब यहाँ से जो बीयर्स हैं ये इनका जो सेलिंग करने का जो पैसा था ये समाप्त हो चुका है, अब मार्केट में यहाँ से हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। इस पैटर्न को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेस्ट बाइंग लेवल हम किस प्रकार से देख सकते हैं और स्टॉप लॉस के लिए हमें कौन सा एरिया को डिफाइन करना चाहिए, इसी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना देते हुए हम बढ़ते हैं यहाँ पे एंजेवन के वेबसाइट पर और पूरी जानकारी समझते हैं। हम जैसे कि एंजेवन की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे एंजेवन की वेबसाइट पर हमने जो चार्ट लगा के रखा है ये बैंक निफ्टी का है। अब हम एंजेवन के होम पेज पर जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद हमने यहाँ पे एक चार्ट लगा के रखा है कंपनी का जिसका नाम है हेवल्स इंडिया। अब हेवल्स इंडिया में जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड का या कैंडलस्टिक का यूज़ कर रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पे जो भी कैंडल लगाई है ये वन डे का की कैंडल हमने लगा के रखी है। अब जो डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है वो किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले तो मार्केट में एक अच्छी जोरदार हमें गिरावट देखने को मिलना चाहिए। गिरावट देखने के बाद एक बाउंस हम मार्केट में आना चाहिए, बाउंस आने के बाद हमें एक फिर एक डाउनफॉल देखना चाहिए और डाउनफॉल आने के बाद फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आना चाहिए। अब कहने का मीनिंग यह होता है कि यह पैटर्न जब बनता है तो मार्केट में यहाँ पे दो बॉटम लगते हैं, पहला बॉटम आपको ये देखने को मिलेगा और दूसरा बॉटम आपको ये देखने को मिलेगा। अब चाहो तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं एज अ ट्रेंड लाइन। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ये दोनों टॉप का लो मिलाते हुए, और इसमें खास बात यह है कि जो आपका जो सॉरी बॉटम का खास बात यह है कि जो पहला बॉटम है इस बॉटम के ऊपर ही हमें दूसरा बॉटम देखने को मिलना चाहिए। ये जो पहला बॉटम है इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर लो ब्रेक होता है तो हमारा पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसके कुछ ना कुछ ये ऊपर रहना चाहिए, 2-5 पॉइंट ये ऊपर रह सकता है। इतना ऊपर रहने के बाद हम यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसको हम नेकलाइन के एक नेकलाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नेकलाइन लगा दी जो कि आपको देखने को मिलेगा कि 304 पे हमारा एक बॉटम का एरिया था और 355 पे हमने एक नेकलाइन को ड्रॉ किया था। अब आपको देखने को मिलेगा कि बीच में इसके अंदर जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 50 पॉइंट का। तो अब हमारा यहाँ से अप ट्रेंड का लेवल क्या रहने वाला है, तो अप ट्रेंड का जो हमारा यहाँ पर लेवल रहने वाला है ये रहेगा यहाँ से 50 पॉइंट अपसाइड का। अब जैसे कि हम यहाँ से कैंडलस्टिक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ पे मान लो ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड लेने के लिए आपका की जो एंट्री मानी जाएंगी वो एंट्री आपकी होंगी इस पॉइंट पे। आप यहाँ पे अपनी एंट्री को ले सकते हैं, जब भी कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे अपनी कैंडल के हिसाब से हम एंट्री को ले सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का एरिया जो डिफाइन करना है, जो ये वाला बॉटम वाला एरिया, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट जो होता है ये काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो गलत न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ता है तो हो सकता है मार्केट में हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हमें सेफ्टी गार्ड के तौर पे एक स्टॉप लॉस को यूज़ करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जो हमारा बनेगा लगभग 300 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और हमारी जो एंट्री बनेगी 355-358 के आसपास हमारी एंट्री बनती है। अब एंट्री बनने के बाद हमारे यहाँ पे जो लेवल रहने वाला है ये 1-1 या 1-2 का रहने वाला है, मतलब कि हमारे यहाँ से जो अगला लेवल बन जाता है ये 400 से लेके 450 तक के बनना चाहिए। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने अपसाइड के मूव देखने को मिले। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री ली है, तो एंट्री लेने के बाद अब हम यहाँ से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं, ये ड्राइंग को थोड़ा क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा पहला लेवल जो था ये 400 का आपको मिल चुका है, यहाँ पे 400 आ चुका है और मैं 400 के लिए यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो आपको देख, क्योंकि हमने 355 पे पोजीशन बनाई थी तो 355 के आगे का 405 या 400 का भी लेवल मानते हैं तो आपका पहला लेवल यहाँ पे आ जाता है। और दूसरे लेवल के लिए अगर आगे बढ़ते तो 450 के आसपास का बनता है, तो 450 का यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे जो दोनों लेवल थे ये दोनों लेवल आ चुके हैं, तो इस प्रकार से हम मार्केट में एक अच्छी खासी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, अपना बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये पैटर्न को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार से देखना है। तो इंटरडे अगर आप काम करते हैं तो आपको 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम पे आप इस पैटर्न पे आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपका व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म का है, 15 दिन या 20 दिन की होल्डिंग का है,
तो आप यहाँ पे वन डे की कैंडल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वन डे की कैंडल को लगा के रखा है। और इसके साथ ही अगर आपका व्यू थोड़ा लंबे टाइम पीरियड का है, तो आप लंबे टाइम पीरियड के साथ जाना चाहते हैं, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पीरियड का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका टाइम पीरियड होगा, उतने लंबे समय के लिए आप मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये पैटर्न था जिसके बारे में हमने आपको पूरा जानकारी बताई है, और इस पैटर्न के हिसाब से आप मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों ऐसा ही टेक्निकल एजुकेशन और नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी यह इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँचे, और वो भी मार्केट में जो लॉसेस कर रहे हैं उस लॉसेस करने को बचे, सही दिशा में काम करे, सही ट्रेंड के साथ काम करे, ताकि मार्केट में एक अच्छे ट्रेड की शुरुआत ले सके और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे अच्छा बढ़ा सके। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट का बेहतर एजुकेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा कर रखी है, आप लिंक के माध्यम से आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है, तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लगा कर रखी है, जहाँ पर आपको मिलता है स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ बेहतर ट्रेड की फैसिलिटी। आप जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं, तो निफ्टी के अंदर आप एक साथ 720 ऑर्डर के साथ ऑर्डर लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी आप अनगिनत ऑर्डर यहां पे लगा सकते हैं। तो ऐसी शानदार एप्लीकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कीजिए और बनिए एक अच्छे इन्वेस्टर। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।